दस्यु सुंदरी एवं पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद फूलन देवी के गांव जालौन के शेखपुर गुढ़ा पहुंचे, जहां उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए विपक्षी पार्टी सपा व बसपा पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही कहा कि सपा की सरकार में फूलन देवी की हत्या हुई थी, लेकिन फूलन देवी की हत्या की जांच समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं कराई गई, लेकिन वह अब इस हत्याकांड की जांच गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कराएंगे, जिससे फूलन देवी को इंसाफ मिल सके। की एक वीरांगना फूलन देवी थी, जिन्होंने एक लोगों को एक इतिहास दिया, एक उन्होंने सिस्टम दिया कि कैसे समाज के साथ खड़ा हुआ जाता, कैसे आंदोलन किया, कैसे बदला लिया जाता, कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जाता। यहाँ फूलन देवी के इस उनके घर पर जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, पूरी दुनिया में एक महिलाओं के नाम से एक रोशनी किया, और वह मेरे केवल निषाद बिरादरी के नाम से नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं की एक आइकान है। उनके यहाँ जहाँ जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद इस धरती पर हम लोग नमन करने आए हैं और कसम खाने आए हैं कि फूलन देवी जी ने ये सिखाया कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाए। उस समय जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें न्याय दिए होते तो शायद हथियार नहीं उठाना पड़ता। असली में अपराधी तो वो अधिकारी कर्मचारी, उनका जाँच कराऊँगा, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी अगर जिंदा होंगे उन्हें जेल भेजवाऊँगा कि ऐसे अन्याय के खिलाफ अगर वो लड़ने गई तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। आज के दिन में वो सांसद बनी, समाजवादी पार्टी की दो दो बार सरकार बनाई, लेकिन अचानक उनकी गोली मारकर हत्या हो गई। उसकी एक बार सीबीआई जांच के लिए मुलायम सिंह को बोलना चाहिए था, और नहीं उनकी प्रॉपर्टी जो कैलाश चौरसिया मंत्री भी रहे मिर्जापुर के, वो उनकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा कर रहे थे। उसके बाद सरकार इनकी थी, तो मैं कह रहा हूँ उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत उनकी माँ को मिलना चाहिए ना। आज के दिन उनकी माँ किस तरीके से दर दर की ठोकर खा रही है, कैसे यहाँ देख लीजिए अंदर का, ये तो हमारे लोगों ने चंदा बना के। तो आज के दिन में अगर बहन फूलन देवी ने दो बार सरकार बनाई समाजवादी पार्टी की, तो इस गांव को आदर्श गांव घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से दो बार सरकारें बनी थी और इस तरीके का। तो हम लोग आज के दिन में आए उनकी माँ से आशीर्वाद लेंगे, और इस बात का इनको भरोसा दिलाएंगे कि अभी हम शीर्ष नेतृत्व दिल्ली नड्डा साहब से, अमित शाह जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि जो हत्यारे उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो इनकी प्रॉपर्टी कब्जा किए उन्हें जेल होना चाहिए, और इनकी जो विरासत उनकी माँ को मिलना चाहिए। राव आते ही पहले राव आते ही मिले हैं, वहाँ पर आपने पार्टी के अध्यक्ष से भी बात की है और कहा है जो कि जो निषाद पार्टी की नाव में सवार होगा उसकी नैया पार होगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से ये 18% आबादी है, कभी राम भगवान राम को पार उतारा था, अपनी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, और राम की कैबिनेट में जब निषाद राज थे तब राम राज आया था। तो आज के दिन में ये सत्ता जो है, जब निषाद राज लोग जाएंगे अपने वोट से, अपनी पार्टी निषाद राज का झंडा जब लखनऊ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अमन चमन आएगा। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 403 विधानसभाओं में 10,000, 15,000, 20,000 हैं, लेकिन 160 सीटें जहाँ 50,000, 60,000 हैं, 70 सीटें ऐसी हैं जो 1-1 लाख के आसपास हैं। आज के दिन में हम लोग 2022 में इनके कुछ आरक्षण के मामले हैं, ये नदी जो जमुना के किनारे हम खड़े हैं, कभी इसी नदियों में अंग्रेजों को हमारे लोगों ने डुबो डुबो के मारा था, अंग्रेजों ने काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा था, उजाड़ बसाने के लिए अंथा समेन अंगार कमेटी 1949-50 बनी थी, जिसको पिछली सरकारों ने कबाड़खाने में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया। जब हमारे लोगों को पता चला तो कांग्रेस को भी कूड़े में डाल दिया, पता चला सपा बसपा भी कांग्रेस की सरकार 30 साल से चला रही थी उनको भी कूड़े में डाल दिया। कम से कम इस देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां हैं, ये मछुआरे 578 हैं, इन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। संविधान में लिखा कि राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला मछवार है, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। 1961 में हम 70 लाख थे, हमारी गिनती घटा के 3,000 कर दी।